नमस्कार, एमपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले ये टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मानी जा रही थी, लेकिन उसके बाद लगातार तीसरे मोर्चे की बात हुई और अब तीसरे मोर्चे में आम आदमी पार्टी ने एंट्री मध्य प्रदेश की राजनीति में कर ली। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सभी 230 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और तमाम सीटों पर चुनाव 2023 का जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाला है वो लड़ेगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ किया कि मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली और पंजाब में किए गए विकास कार्यों के आधार पर प्रदेश में वोट मांगे जाएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश संगठन को भंग किया गया था। राज्य की कमान आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को सौंपी गई है। वहीं बता दें कि संदीप पाठक के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति भी तय की गई है। वही संदीप पाठक का ये भी कहना है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी का नया संगठन तैयार किया कर दिया जाएगा और इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। वहीं सीएम फेस को लेकर संदीप पाठक ने साफ कहा कि चुनाव से पहले ही ये स्पष्ट कर दिया जाएगा आम आदमी पार्टी के द्वारा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट सीएम फेस कौन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे कि पहले किसी का नाम दिया और बाद में किसी और को दूल्हा बना दिया, यानी कि सीएम बना दिया। देखिए, पार्टी ने अभी ऑफिशियली इस पे कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया है, लेकिन मेरा ये मानता है कि जनता को ये अधिकार है ये जानने का कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोटो दूसरे का दिखाओ और शादी के समय आप दूल्हा दूसरे को ले आओ। पता होना चाहिए जनता को। मेरा ये मानना है कि पार्टी उचित समय पर निश्चित रूप से सीएम फेस का घोषणा करे। वहीं बता दें कि मध्य प्रदेश में 2023 की शुरुआत के साथ ही सियासी सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने 230 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो जनता कांग्रेस बीजेपी के अलावा तीसरे मोर्चे को कितना समर्थन देगी और गुजरात और पंजाब और दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता कितना पसंद करती है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।